आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हरियाणा प्रदेश में लगातार 3 बार रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का आज 86वां जन्मदिन है और आज प्रदेश के अंदर चारों तरफ लोग उनको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर उनको हर समय पर, हर क्रम पर, चाहे कोई किसान हो या मजदूर हो, हर व्यक्ति उनको आज याद करता है, उनके कामों को याद करता है, क्योंकि चौधरी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी एक राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति भी थे। वो समाज के अंदर कोई धार्मिक काम हो या कोई साझा काम हो, उन्हें बढ़ चढ़ कर रुचि लेते थे और राजनीति के अंदर भी उन्होंने अपना नाम का एक इतिहास रखा है। इस प्रदेश के अंदर लगातार इतनी पारी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा आज तक। ये आज जो हमारा करनाल जिले के अंदर सर्वदानंद अनाथालय है, इनमें हम गरीब बच्चों में फल वितरित करके उनको याद करेंगे और उनके कामों को याद कराया जाएगा और आगे ऐसे ही उनके बेटे आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी उनके 25 पर चलते हुए या जितने भी साथी हैं आज उनके पीछे हैं और आने वाले दिनों में अगर परमात्मा ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को मौका दिया तो जितने अधूरे काम हैं चौधरी भजनलाल जी के उनको वो पूरा करेंगे और लोगों का काम बढ़ चढ़ करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करूँ और लोगों का एक काम करूँ, लोगों का सुख दुख में साथी रहूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की जयंती जो है आज करनाल में भजनलाल समर्थकों द्वारा जो है बड़े ही सादगी भरे अंदाज में जो है मनाई जा रही है और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल के शरदानंद अनाथालय में जो है हम पहुंचे हैं, जहां पर जो है यहां पर रहने वाले बच्चों पर जो है फल वितरित करके जो है पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की जो जयंती है हर वर्ष जो भजनलाल जी के समर्थक है वो जो है यहाँ पर मनाते हैं सादगी भरे अंदाज में जो है बच्चों में फल वितरित करके जो है आज उनकी जयंती मनाई जा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल को आज उनके जन्मदिन के मौके पर जो है उनको याद कर उनकी तस्वीर पर जो है पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, चौधरी भजनलाल जी की जो है ना पुण्यतिथि है 6 अक्टूबर। चौधरी भजनलाल जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में लगातार 12 साल तक राज किया और अपने शासन में उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार के जनहित के कार्य करने का काम किया, जिनकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश के लोग उन्हें याद करते हैं और वो हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में बसे हुए हैं। चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, उनके सुपुत्र, उनके ही पदचिन्हों पर चल करके पूरे हरियाणा प्रदेश में उनके अधूरे कामों को पूरा करने का उन्होंने भी एक बीड़ा उठाया है। अगर परमात्मा ने चाहा और पार्टी हाईकमान ने चाहा उनको हरियाणा प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम किया आने वाले समय में, तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी चौधरी भजनलाल जी के सारे अधूरे कामों को पूरी तरह से कंप्लीट करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में जो चौधरी भजनलाल जी की छाप है उस छाप को बरकरार रखने का काम करेंगे। धन्यवाद।